ख्याल से देखना 220 किलो स्क्वाट्स लगाने वाला हूँ मैं, इसमें गौरव गांधी लागे सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो आ चुके हैं हम जिम और चलते हैं जिम। तो आज का हमारा जो वर्कआउट है वो होगा लेग का। तो चलिए ₹10 पर आदमी, ₹10 15 मिनट की राइड। दो एक साथ में बैंड बजी मेरी तो। और सबसे बड़ी बात, आज मैं स्कूटी से आया हूँ तो पता नहीं घर कैसे पहुँचूँगा। मुझे नहीं लग रहा मैं आज घर पहुँचूँगा या नहीं, क्योंकि सच में यार पैर तो काम ही नहीं कर रहे, दर्द कर रहे हैं भयंकर, बहुत बुरा। टीवी का रिमोट नीचे था, मैं नीचे ही दे दिया था। दे दिया कितनी चलाए कितनी पूछ लियो। मुश्किल से 5 एक्सरसाइज करी मैंने लेग की, और 5 एक्सरसाइज करी, थाई इतनी पंप हो गई कि अब तो बैठा हूँ तो बैठा ही रहने, तो ऐसा लग रहा है कि चुपचाप परेशान ना करो भाई, घर भी तो जाना है, पता नहीं घर जा पाऊँगा या नहीं। गाड़ी से आया नहीं हूँ, स्कूटी से जाऊँगा, हालत देख सकते हो मेरी कैसी हो रही है। हे भगवान, घर पहुँचा रहे। मन भी नहीं कर रहा अंडे खाने का, अंडे अपने पैक करा लिए, चिकन भी पैक करा लिया, और मैं तो भाई अब घर के लिए प्रस्थान करता हूँ। घर जाके
दिखाते हैं आपको घर पहुंच के, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए और दुआ करना कि भाई हमारा घर पहुंच जाए जल्दी। क्योंकि मैं तो भाई लैग लगा के आया हूँ, देखते हैं कितनी कभी कभी खा लेंगे। जाना पूरी का ना ये समझना, वो घर से भूखा होके आ गया। कॉम्पिटिशन भाई, चार पांच दिन का भूखा है। नहीं, दो डाइट है उसके पास, जो हारेगा वो दो डाइट खिलाएगा जीतने वाले को। नहीं, एक से पीछे। एक ज्यादा है वहाँ पे, देख लियो तो रखवाओ। छह रखवाई, दो पितर वाले मिलने वो जीत जी एक। तो मेरा और वीर का रहा कंपटीशन, ये 5 साल बाद कंपटीशन हुआ, 5-6 साल बाद, 5-6 साल हो गए। तो आज हमने खाई कितनी, 20-20 पूरी, 20-20 पूरी खाई, वैसे ज्यादा ही हो गई होंगी बाकी वीडियो में जैसा। पेट तो ऐसे नप गया है, नाप के आज समझ में आया, आज समझ में आ गया अपनी औकात कि हमारी औकात इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। और क्या, नहीं कहाँ, और लोग एक एक रोटी के लिए तरस जाते हैं महीनों तक। और आज तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, रिकॉर्ड तोड़ दिया।
और ऐसा संभव हो पाया 6 साल बाद, वो भी राधा कृष्ण का नाम लेके खा गए हम लोग। अभी पता नहीं जो भी है, बीमारी भरना हो जाए नहीं तो पूरा यहीं दरा रह जाएगी तैयारी। बाकी मेरी तो कोई ऐसी तैयारी चल रही नहीं, इसी की चल रही है। ले, उसको ही फॉलो कर ले भाई, बीर फिटनेस गरीबों का चैनल है, 1200-1300 सब्सक्राइबर है ना, तो 1.5 लाख में से अगर 1% भी लोग कर लेते हैं तो आपका भला होगा और आपको 7 दिन के अंदर अच्छी न्यूज मिलेगी। भाई भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है, गरीबों को तो भाई देख ही नहीं रहा। कोई तो भगवान भगवान के नाम से देगा, अल्लाह के नाम से, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से सब्सक्राइब कर दो रे बाबा, सब्सक्राइब कर दो रे बाबा। तो भीख जी बा, भीख नहीं भाई, रिक्वेस्ट है, अगर 7 दिन के अंदर कुछ भला ना हो बुरा हो जाएगा भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो। इसको बोलते हैं पावरफुल धमकी। देख लो भाई अपने हिसाब से। हाँ भाई ठीक है, ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं है, बस बूढ़ी खा के घर जाके सोएंगे। और भाई मैं और ये बहुत दिन से यही सोच ही रहे थे कि रोडीज में जाने के लिए क्या है, रोडीज में ले जाने के लिए अपनी स्पेशलाइजेशन क्या बना के जाए, तो भाई खाने का कंपटीशन करेंगे वहाँ, कौन आ रहा है जाने के लिए, रोटीज खाने पर रोटीज में जाएंगे ना तो पूड़ी लेके जाएंगे एक पर एक पन्नी में, तो पूछेंगे भाई क्या कम कंपटीशन करेंगे हम दोनों। भाई हम पूछेंगे प्रिंस नरूला से, भाई तेरी उसमें दम है क्या, हो जाए कंपटीशन खाने पीने में है। वो क्या है भाई, हम फिटनेस वाले नहीं है, हम तो भाई पूरी पूरी वाले हैं। और नेहा धूपिया की सामान खा के खा जाएंगे हम 20-20 पूरी पर, साग साग लेके जाएंगे बढ़िया। तो चेंज हो गई है, चेंज हो गई। अच्छा वो आ गई रिया चक्रवर्ती, नहीं यार वो सुशांत सिंह मजा नहीं आएगा। तो भाई हमें नहीं जाना रोडी, हम नहीं जाना, हम जाएंगे, हम जाएंगे, मैं जाऊंगा पूरी लेके जाऊंगा, हम जाएंगे गुजरों को, देखो बस आ रहा है वहां में। तो भैया गुजरों का बिग बॉस भी आ रहा है, हाँ मजाक से हटके, गुजरों का बिग बॉस आ रहा है बिना बच्चों के, हाँ उसमें हो सकता है मैं और गौरव दोनों ही जाएं, और जाएंगे और देखेंगे अपने पूरी नापेंगे और भाई थोड़ी बड़ी बॉडी बॉडी दिखा देंगे। इस ब्लॉग में कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट करें किस बेस पे, अगर गलती से बिग बॉस में चले गए तो वहां तो वैसे ही नाप तोल के खाना देते हैं, वैसे ही मर जाएंगे हम, तो हम मरेंगे नहीं, हम मार देंगे खाने के पीछे, मतलब गरीबों वाली हालत हो जाएगी भाई साहब कसम से। मेरे मैं जब जब घर में जैसे मम्मी वगैरह कोई भी देखती हैं तो वो एक ही चीज सोचती है, अगर तुम गलती से बिगॉस में चले गए तो तुम तो दो दिन मारा जाओगे, ये खाना वैसे ही नापते तोल के देंगे तुम्हें, रोएंगे हम तो, हम तो रोएंगे वहाँ पे, या तो रुला देंगे एलबी से यादव की तरह। ठीक है भाई, हमें भी कोई अविनाश मिल जाए बस वहाँ पे। तो बस भाई ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, बस भाई राम राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और ऐसे ही बकचोदी करते रहेंगे बिना बकचोदी के, बिना बकचोदी के नहीं करेंगे बिना बकचोदी के हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे, ब्लॉग नहीं बनाएंगे। चलिए।